आज मैं आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से सुनिए। बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सेक्स करने से बॉडी घटती है, बाइसेप चेस्ट वगैरह सब घट जाता है, ठीक है। या बहुत लोगों का मानना है कि मतलब जो है सेक्स करने से बॉडी में मतलब बॉडी इंक्रीज होती है, बॉडी बढ़ती है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो पूरा देखें जिससे कि पूरी बात मेरी समझ सकें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे कि मैं अगला वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए मैं ऐसे ही नॉलेजेबल और साइंटिफिक वीडियो बताता रहूँगा, आपकी हेल्प करता रहूँगा। तो चलिए बताते हैं। देखिए तो सीधे पॉइंट पर आते हैं, सेक्स करने से मसल बिल्डिंग होती है, मतलब एक्सरसाइज में, जिम में, बॉडी बनाने में आपको हेल्प मिलती है सेक्स करने से, अगर आप 21 प्लस हैं तो, अदरवाइज नहीं। और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो शादीशुदा हैं, ठीक है। उन लोगों के लिए नहीं कि जिम कर रहे हैं यार बॉडी बनानी है तो लड़की पटाएं और उससे सेक्स करें, तो वो गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। शादी करो, सेक्स करो, ठीक है। उसकी भी लिमिट होती है, हफ्ते में 4 से 5 बार, इसके ऊपर ना करें, ठीक है। और मैं हिलाने को नहीं कह रहा हूँ, हिलाना गलत है क्योंकि उससे बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं, इसलिए मैं सेक्स के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो सेक्स करें और मसल बिल्डिंग में जो है फ़ायदा उठाएं, लेकिन साथ में केवल इससे कुछ नहीं होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो जब हम सेक्स करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन्स हार्मोन्स रिलीज होता है और डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन तो खुशी देता है दिमाग को, और टेस्टोस्टेरोन्स जो हार्मोन्स होता है जिसे एंड्रोजन हार्मोन्स भी कहते हैं, ये हार्मोन्स इसका काम ही होता है मसल बिल्डिंग और स्पर्म को बनाना, दोनों दो काम करता है। तो एक तो आपका ये फ़ायदा हुआ कि आपका स्पर्म इंक्रीज होगा, दूसरा मसल इंक्रीज होंगे, ठीक है, हेल्प मिलेगी। तो आप समझ गए होंगे कि सेक्स करने से क्या फ़ायदा है। फिर से कह रहा हूँ ये मत करना, बहुत गलत है, क्योंकि इसकी लत पड़ जाती है तो आदमी बर्बाद हो जाता है, बहुत वीडियो में बताया मैंने, ठीक है। तो आपको कैसी लगी जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। नए चैनल को सपोर्ट करना चाहिए जिससे कि वो अच्छे कंटेंट बना सके, चाहे मेरा चैनल हो चाहे जिसका चैनल हो, क्योंकि सब्सक्राइब करने में एक पैसा नहीं लगता है, केवल बस एक बार ऐसे टच करना पड़ता है सब्सक्राइब को, जिससे कि जो नए वीडियो आते हैं तो पता चल जाते हैं, बेल आइकन दबा देंगे तो और अच्छा होगा। तो चलिए अगले मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, टेक केयर।